नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर कैंपस धाम में। दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा बोरोन परिवार से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे अगर मैं बोरोन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा, हेलोजन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा, और एसिड और बेस के साथ में इस बोरोन फैमिली के कंपाउंड्स की रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा, ये सारी सारी डिटेल अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवा रहा हूँ डे बाय डे, तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। इस वीडियो में जो आईवी क्वेश्चंस हैं उनको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, उनका क्या कंसेप्ट लगा रहा हूँ, ये सारा का सारा मैं यहाँ डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस बोरोन परिवार के तत्वों के ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शंस कि क्या ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ठीक है, ये तत्व थे। एक और था निहोरियम। तो ये निहोरियम अगर मैं बात करूं उसका एटम नंबर 113 था, और ये जो एनएच है ये रेडियो एक्टिव तत्व था, ये मैंने कल डिस्कस कर लिया था। और इसका जो सबसे स्टेबल आइसोटोप्स होता है उसकी हाफ लाइफ होती है 20 सेकेंड, ये याद रखना, क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर इस बार एड कर रखा है, नया क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर मैं जनरली बोरोन की रिएक्शंस करवाता हूँ सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ में, तो ये क्या बना लेगा, इसका ऑक्साइड बना लेगा, B2O3 बना लेगा। क्या बना लेगा, बोरोन का ऑक्साइड। याद रखना दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं बोरेक्स टेस्ट की बात करते अपन, बोरेक्स बीड टेस्ट, तो इसमें ये कंपाउंड काम में लिया जाता है, ठीक है। तो कैसे, देखो ये कोबाल्ट का जो ऑक्साइड होता है, जब इस कोबाल्ट के ऑक्साइड को B2O3 वाले यानी बोरोन से रिलेटेड कंपाउंड्स के रिएक्ट करवा जाता है तो ये एक कंपाउंड बनाता है BO2 होल ट्वाइस। ये जो कंपाउंड होता है इसको बोरेक्स ब्लू बीड, सॉरी ब्लू बीड कहा जाता है, नीला मनका कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ इसको स्टार्टिंग में ही ऐड कर दिया। ये रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना एनसीईआरटी के हिसाब से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने जो 55 क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों वो एनसीईआरटी से ही बनेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करता तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाता, इसी तरह गैलियम का ऑक्साइड बन जाता है Ga2O3, इसी तरह इंडियन In2O3, Tl2O3, ऐसे ही ये जो ऑक्साइड्स हैं वो बन जाते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इन ऑक्साइड्स का क्वेश्चन क्या बनता है, इनका बनता है दोस्तों एसिडिक नेचर का क्वेश्चन, बेसिक नेचर का क्वेश्चन, और एम्फोटेरिक यानी उभधर्मी। इनमें से याद रखना कौन से उभधर्मी है ये मैं बता देता हूँ। ये जो Al2O3 और Ga2O3 है यानी Al2O3 और Ga2O3, ये दोनों के दोनों दोस्तों उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। कौन से प्रकृति के होते हैं, उभधर्मी या एलोट्रोपिक प्रकृति। इन दोनों में देखा जाए तो ये होता है मोस्ट एसिडिक यानी ज्यादा अम्लीय। ये दोनों ही एसिडिक होते हैं लेकिन इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है, ये वाला, यानी मैं ये कह दूं डाउन द ग्रुप, ग्रुप में नीचे जाओगे तो इनकी, सॉरी उल्टा बोल दिया, बेसिक दोस्तों, ये बेसिक नेचर का होगा। क्या होगा, बेसिक नेचर के, तो ये हो जाएंगे मोस्ट बेसिक, ये क्या हो जाएगा मोस्ट एसिडिक, ध्यान रखना दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना B2O3 एसिडिक नेचर का होगा, इसके अंदर एल्यूमिनियम और गैलियम का जो ऑक्साइड है उनके नेचर एम्फोटेरिक की होगी, और जो इंडियन और थेलियम है TlO2, Tl2O3, इन दोनों के जो नेचर है दोस्तों वो बेसिक नेचर है, और ये वाला है मोस्ट बेसिक, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा सा सही कर लेना इसका करेक्शन, मैंने बता दिया है ये बाय डिफॉल्ट हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर अगर मैं बात करूं Al2O3 की, जो कि अपने पास एक एम्फोटेरिक नेचर का है, एम्फोटेरिक नेचर का, इसका ध्यान रखना दोस्तों, इसको अपन बोलते हैं एलुमिना। क्या बोलते हैं इसको, एलुमिना बोलते हैं। इसी तरह से दोस्तों एल्यूमिनियम के जो मेटल है जब इसकी रिएक्शंस, चलो एक बार मैं आगे वाले पेज लेता हूं इसको बता देता हूं, इनकी रिएक्शन जब मैं एसिड और बेस से कराऊंगा, दूसरे रिएक्शन के अंदर लेता हूं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड बेस यानी अम्ल और क्षार के साथ में, अम्ल व क्षार के साथ में इनकी क्रिया देखनी है, इनके रासायनिक अभिक्रिया देखनी है। तो ध्यान रखना दोस्तों बोरोन बोरोन एसिड और बेस से दोनों से रिएक्ट नहीं करता, एसिड एंड
बेस दोनों से ही रिएक्ट नहीं करता है, स्पेशली वीक एसिड्स के साथ में। हाँ, स्ट्रोंग एसिड के साथ में ये बोरिक एसिड बना सकता है, जैसे अपन HNO3 ले ले अपन। ठीक है दोस्तों, ये मैंने स्टेटमेंट लिया है एनसीईआरटी का। अब देखिए एल्यूमिनियम की मैं बात करता हूं, अपन जानते हैं कि ये एक उभयधर्मी प्रकृति का ऑक्साइड बनाता है, उभयधर्मी प्रकृति का ऑक्साइड बनाता है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से जब इस एल्यूमिनियम की रिएक्शन अपन किसी एसिड के साथ में करवाते हैं, HCl के साथ करवा दी, तो ये बनाता है दोस्तों Al2Cl6, जिसको आप चाहें तो 2AlCl3 भी कह सकते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। ऐसे अगर मैं किसी बेस के साथ रिएक्ट कराता हूँ, जैसे NaOH ले लिया मैंने, ठीक है दोस्तों, तो ये सोडियम मेटाबोरेट बनाता है, NaAlOH4 बनाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। ये जो सोडियम का जो एल्यूमिनेट है, सॉरी सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, ये क्या बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ जो रिएक्शंस है वो हमें ध्यान रखनी है कि जब एल्यूमिनियम को HCl से रिएक्शन करवा रहे तो क्या बन रहा है, और NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे तो क्या बन रहा है। ऐसा ही दोस्तों अगर मैं गैलियम की बात करूंगा तो गैलियम के साथ भी सेम रिएक्शन होगी, इंडियम के साथ में भी रिएक्शन सेम होगी, और थेलियम के साथ में भी रिएक्शन सेम होगी। लेकिन ध्यान रखना ये दोनों के दोनों, इंडियम और थेलियम, ध्यान रखना दोस्तों, ये दोनों के दोनों, इनकी प्रकृति कैसी थी, बेसिक प्रकृति के थे, क्षारीय प्रकृति के थे, इसीलिए ये एसिड के साथ तो रिएक्शन कर जाएंगे, लेकिन ये एसिड के साथ तो रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन ये बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी बेसिक प्रॉपर्टी के हैं। ये स्टेटमेंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वापस बता रहा हूँ, एल्यूमिनियम की HCl से रिएक्शन करवाई तो Al2Cl6 या AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाने के बाद में सोडियम एल्यूमिनेट बना। इसी तरह से गैलियम भी दोनों से रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि गैलियम का ऑक्साइड जो बनता है, गैलियम की जो नेचर होती है वो भी एसिड एम्फोटेरिक होती है, तो ये भी एसिड और बेस से दोनों से रिएक्शन कर सकता है, यानी GaCl3 बन सकता है, ये भी GaCl3 बना सकता है, और NaGOH4 बना सकता है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना इन दोनों का, इंडियन और थेलियम का, ये HCl से रिएक्शन कर जाएंगे लेकिन NaOH से रिएक्शन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इनकी क्षारीय प्रकृति होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको ये टॉपिक्स अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, तो जरूर चैनल को लाइक कीजिएगा, और अगर शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चलिए अब बात करते हैं हैलोजन के साथ में रिएक्शन, हैलोजन के साथ यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, देखिए कैसे। यहाँ हैलोजन की मैं बात करूं तो यहाँ हैलोजन के साथ में जैसे फ्लोरिन ले लूं मैं, क्लोरिन ले लूं मैं, ब्रोमीन ले लूं, और आयोडीन, इन चारों के साथ में ये बोरोन परिवार के जो एलिमेंट है वो रिएक्शन कर जाएंगे दोस्तों। जैसे मैंने एलिमेंट ले लिया, यानी ई बराबर मैंने ये सारे एलिमेंट ले सकता हूँ, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियन और थेलियम, ठीक है दोस्तों, और ये रिएक्ट कर रहा है हेलोजन के साथ में। तो कुछ इस तरह से ये 2E(X)3 का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, एक्स मैंने बता दिया ये हो सकती है, लेकिन एक एक्सेप्शन यहां पे भी रहेगा, कौन सा है, ध्यान रखना, एक ट्राइहेलाइड जो कि टाइटेनियम का होगा, याद रखना टाइटेनियम आयोडाइड नहीं बनाता दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Ti(I)3 का फॉर्मेशन नहीं होता, इसका निर्माण नहीं करते, ये एक्सेप्शन याद रखना, निर्माण नहीं होगा, निर्माण नहीं होता, ठीक है दोस्तों, ये चीज हमें अपवाद स्वरूप याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इनके क्वेश्चंस, BF3 ले लिया मैंने, BCl3 ले लिया मैंने, BBr3 ले लिया मैंने, और BI3 ले लिया। अगर आपको दोस्तों इसके एसिडिक नेचर का ऑर्डर पूछा जाए, एसिडिक नेचर का, तो ध्यान रखना BF3 इज लेस देन BCl3 इज लेस देन BBr3 इज लेस देन BI3, ये ऑर्डर अपने पास एसिडिक का होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों गैलियम की, एल्यूमिनियम के क्लोराइड की, गैलियम के क्लोराइड की, और एल्यूमिनियम के ब्रोमाइड की, ये कुछ मैंने हैलाइड ले लिए दोस्तों, ये हमेशा डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, द्विलक की फॉर्म में पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन वैसे मैंने पहले बता दिया है,
सबसे छोटी त्रिज्या या परमाणवीय त्रिज्या बोल दो आप किसकी होगी। तो मैं चार ऑप्शन दे रहा हूं आपको, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। आपको इसका आंसर दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि अगर अगर मैं ड्राई एएलसीएल थ्री की बोतल की बात करता हूं, निर्जल, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निर्जल एएलसीएल थ्री की बात करूं दोस्तों, तो ये नमी में, नमी के संपर्क में आने पर, संपर्क में आने पर व्हाइट फ्यूम्स बनाता है, यानी सफेद धुआं, सफेद धूम बोल दो बनाता है, तो ये किसके कारण से बनती है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से मैंने ये ड्राई एएलसीएल थ्री मैंने ले लिया, इसके अंदर ड्राई एएलसीएल थ्री है, ये ड्राई या निर्जल एएलसीएल थ्री है, शुष्क है। तो जैसे ही इसके चारों ओर ये नमी के कांटेक्ट में आएगा, तो देखिए नमी में क्या होता है, वाटर होता है, तो ये वाटर के साथ में अपघटित होकर के दोस्तों ये बना लेता हाइड्रोक्साइड प्लस एचसीएल। और इस एचसीएल की बात करें दोस्तों, तो इस एचसीएल की वजह से ये जो आपको यहां इस बोतल के संपर्क में यहां से व्हाइट फ्यूम्स दिखाई देती है दोस्तों, उड़ती हुई व्हाइट फ्यूम्स, तो ये जो व्हाइट फ्यूम्स बनती है वो इस एचसीएल के बनने की वजह से होती है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है अपने एग्जाम के अंदर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, कुछ कंपाउंड्स की मैं बात करता हूं अब यहां पर। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं बोरेक्स की, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए बोरेक्स का फॉर्मूला बताया था दोस्तों, Na2B4O7 10H2O, ये तो था बोरेक्स। और एक बताया था मैंने कर्नाइट, Na2B4O7 4H2O, इसको मैंने कहा था कर्नाइट दोस्तों। ये इनके नाम याद रखना दोस्तों, अकरेंस का टॉपिक अपने आरपीएससी में इंक्लूड कर रखा है दोस्तों, ध्यान रखना। ये है बोरेक्स दोस्तों, जब इस बोरेक्स की बात की जाती है तो Na2B4O7 को जब हीट किया जाता है दोस्तों, 7H2O को जब हीट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से NaOH में टूट जाएगा, ठीक है, प्लस H3BO3 बना लेगा। इस H3BO3 को आप BOOH होल थ्राइस ये भी लिख सकते हैं, इसको आप कह सकते हो दोस्तों बोरिक एसिड, या इसी को आप ऑर्थो बोरिक एसिड भी कह सकते हो, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें याद रखना दोस्तों, ये जो बी एस थ्री बी ओ थ्री है, ये वीक बेसिक एसिडिक है, यानी दुर्बल क्षारीय अम्ल है, यानी एसिडिक की तरह काम करता है। अब ये इसका कारण क्या है, अब इसका रीजन बता देते हैं, क्योंकि इसमें ये प्रोटॉन नहीं देता, एच प्लस को डोनेट नहीं करता दोस्तों, ये क्या करता है, एक ओएच माइनस आयन को ग्रहण करता है, एक ओएच माइनस आयन ग्रहण करता है, और ये कुछ इस तरह से बी ओएच होल फोर माइनस बनाता है। इसको अपन बोलते हैं दोस्तों बोराइट, मेटा बोरेट बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, मेटा बोरेट। यहां से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बन सकता है दोस्तों, ध्यान रखना। H3BO3 एक वीक एसिड की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता, इसके पास प्रोटॉन देने की टेंडेंसी नहीं है दोस्तों, ये प्रोटॉन नहीं देता है क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है ही नहीं। क्योंकि अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाता है, इसको प्लेन ट्राइंगल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, प्लेन ट्राइंगल, यानी आप इसको प्लेनर भी कह सकते हो, ठीक है दोस्तों, प्लेनर ट्राइंगल भी कह सकते हो, ट्राई एंगल भी कह सकते हैं, याद रखना। इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है ये अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसी के अंदर अगर मैं इस Na2B4O7 को Na2B4O7.10H2 को हीट करता हूं दोस्तों, तो ये Na2B4O7 प्लस H2 को बाहर निकाल देगा,
जब इस Na2B4O7 को दोस्तों अगर मैं आगे और गर्म करता हूं दोस्तों, नहीं, बोरिक एसिड था, हाँ बोरिक एसिड दोस्तों, बोरिक एसिड लेना है, H3BO3 लेना है अपने को, सॉरी, इसको हीट करना है तो ये बनाता है HBO2+O2 बनाता है, जिसको और आगे अगर मैं गर्म कर दूं तो ये B2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये B2O3 अपन जानते हैं इसको बोरेक्स बीट टेस्ट में यूज होता है दोस्तों। और इसमें मैंने बता दिया कि जब कोबाल्ट का ऑक्साइड इस B2O3 के कांटेक्ट में आता है तो कोबाल्ट कुछ इस तरह से एक कंपाउंड बनाता है जो कि ब्लू बीड कहलाता है, ब्लू बीड या नीला मनका कहते हैं दोस्तों। यहां तक आपको टॉपिक समझ में आ गया हो तो जरूर बताना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसी में एक छोटा सा और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, यहां तक वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक आप सबको समझ में आ गई होगी। हाँ एक और नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ बोरेक्स के बारे में, एक छोटा सा एक और ले लेता हूँ कंसेप्ट, Na2B4O7, ये जानते हैं अपन 10H2 होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जब मैं इसको हीट कर दूंगा दोस्तों तो ये बना लेगा Na2B4O7 और ये वाटर मॉलिक्यूल इसका उड़ जाएगा दोस्तों, ठीक है, 10H2 बाहर निकल जाएंगे। इसको दोस्तों सोडियम मेटाबोरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम मेटा बोरेट बोलते हैं ये दोस्तों। जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है, देखो ये तो वाटर के साथ है ही, जब इसका वाटर बाहर निकल जाता है तो ये दोस्तों वाटर के बाहर निकलने से, जल के अणु से बाहर निकलने की वजह से ये क्या हो जाता है, फूल जाता है दोस्तों, यहां ध्यान रखना, ये क्या हो रहा है, जैसे ही जल बाहर निकलता है तो ये जो सोडियम मेटाबोरेट है, ये जो कंपाउंड है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, जिसको वापिस अगर मैं गर्म करता हूँ दोस्तों तो Na2BO2 बनाता है प्लस B2O3 बनाता है, इसको आप कह सकते हैं बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है दोस्तों। और ये जो बोरिक एनहाइड्राइड, अभी मैंने बताया कि जब इसको कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ में, जिसको अपन बोलते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट, याद रखना दोस्तों, ये स्पेशली कोबाल्ट जो मेटल्स हैं, जो कलर्ड मेटल्स हैं, कोबाल्ट है, निकल है, इस तरह के मेटल्स के टेस्ट के लिए काम में लिया जाता है, और ये एक ब्लू कलर का कंपाउंड BO2 होल ट्वाइस बना लेता है, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ब्लू बीड या नीला मनका कहा था, नीला मनका। तो दोस्तों ये थी अपने पास में बोरोन से जुड़े हुए कुछ कंपाउंड्स के रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे B2S6 के बारे में, बोरेन के बारे में। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि ये कुछ किस तरह से 2C2E की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 3C2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, किस तरह से इसमें बनाना बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बनाना बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये सारा का सारा मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर दोस्तों। अब दोस्तों मैं डिस्कस करता हूं प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा निम्न में से एरोमेटिक नहीं है दोस्तों, इसमें से पूछा है कि एरोमेटिक नहीं है, तो देखिए दोस्तों एरोमेटिक कंपाउंड्स का प्लेनर होना चाहिए, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ईच एटम शुड बी प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड स्टेट, यानी प्रत्येक परमाणु समतल है दोस्तों, प्रत्येक परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होना चाहिए, फिर ये कह रहा है कि हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लेनर भी होना चाहिए और साइक्लिक भी होना चाहिए, चक्रीय भी होना चाहिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट फुलफिल करनी होती है किसके लिए, हकल रूल और एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए दोस्तों, स्पेशली एरोमेटिक कंपाउंड्स को पहचानने के ये 4 ट्रिक्स हैं, याद रखना। तो देखिए दोस्तों ये जो फ्यूरेन है पहला ऑप्शन, ये भी एरोमेटिक है, ठीक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, यहां देखिए दोस्तों इस तीसरे क्वेश्चन के अंदर, इस तीसरे क्वेश्चन के अंदर ये जो कार्बन है ये वाला, ये sp3 संकरित अवस्था में है, इसीलिए ये क्या होगा दोस्तों, नॉन एरोमेटिक होगा, ये एरोमेटिक नहीं होगा, तो ऑप्शन थर्ड अपना कर्ण क्लियर हो जाएगा। देखिए राइमर टीमान अभिक्रिया की बात कर रहा है दोस्तों, अगर आप इन नेम रिएक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं, हर एक नेम रिएक्शन को मैंने इंडिविजुअली अलग से बना रखा है, तो आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में वो नाम अपना जो भी टॉपिक है उसका टॉपिक का नाम लिख के आप शेयर कर सकते हैं, मैं आपको इंडिविजुअली आपको वो टॉपिक में प्रोवाइड करा दूंगा। इस राइमर टीमान रिएक्शन की बात करें दोस्तों, तो ये फिनोल की रिएक्शन होती है, जिसमें
कार्बोक्सिलेशन और फॉर्मालेशन दोनों होते हैं दोस्तों। क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में अगर अपन रिएक्शन करते हैं बेसिक मीडियम में, तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड प्लस पेरा हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। दूसरी होती है कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन जो कि CCl4 के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। इसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्लस पेरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। अब बात यह है कि इस राइमरटिमान फॉर्मालेशन के दौरान एक इंटरमीडिएट बनता है दोस्तों, ये वाला जिसको डाइक्लोरो ड्राइक्लोरो कार्बीन कहते हैं। और दोस्तों इस बार कार्बिन अपने सिलेबस में ऐड हो गया है नया टॉपिक, तो इसमें तीसरा जो ऑप्शन होगा वो रहेगा कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब बात कर रहा है दोस्तों एंथ्रासीन की, तो एंथ्रासीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं इनकी संख्या बतानी है। पाई बॉन्ड की नहीं बात कर रहा दोस्तों, ये पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से ये एंथ्रासीन अपने पास होता है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, तो पहले तो टोटल पाई बॉन्ड काउंट करो, 3 और 2 5 और 2 7, 7 पाई बॉन्ड है दोस्तों। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है एक इलेक्ट्रोफाइल निम्न में से किस पर आसानी से अभिक्रिया या आक्रमण करता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों एक इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करेगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सॉरी इलेक्ट्रॉन स्नेही है दोस्तों, सॉरी इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, वहां आसानी से अटैक करेगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको फिनोल दे रखा है, यहां पर आपको टॉलोविन दे रखा है, यहां पर आपको क्लोरोबेंजीन दे रखा है और दे रखा है दोस्तों बेंजीन। अगर मैं इन सब में बात करूं तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन के अंदर बढ़ाने की जो टेंडेंसी होगी, इस बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की टेंडेंसी होगी, वो होगी दोस्तों OH वाले ग्रुप की, इसके बाद में टोलुइन की, इसके बाद में क्लोरोबेंजीन की, इसके बाद में बेंजीन की। क्योंकि यहां क्लोरोबेंजीन में भी दोस्तों इसका रिएक्टिविटी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इसका प्लस आर काम कर रहा है, ठीक है। यानी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के रिस्पेक्ट में देखा जाए दोस्तों, तो इसका प्लस आर इफेक्ट काम करता है। हाँ ये जरूर ध्यान रखना कि इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू कंट्रोल्ड होती है। तो यहाँ ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों अपना फिनोल, आसानी से फिनोल पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे देगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ये पूछ रहा है क्षारक प्रकृति का सही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ ये चौथा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। कुछ इस तरह से मैं इसको लेता हूं, C2H5-, समझिएगा इसको, ये CH2CH-, ये CH BBC- और यहाँ OH- दोस्तों। ये कुछ आयंस अपने पास दे रखे हैं। अगर मैं इसकी इनिशियल की बात करूं दोस्तों तो ये कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकते हैं। याद करो अगर आप इसको एग्जिस्ट करते तो कुछ इस तरह से ये अपनी मूल फॉर्म में या जो मुख्य फॉर्म में वो एग्जिस्ट होता। अब देखिए दोस्तों इनमें सबसे ज्यादा जो एसिडिक है वो H2 सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर इथाइन, फिर इथीन और सबसे कम एसिडिक है ये इथेन। तो दोस्तों ध्यान रखना अपन जानते हैं अपन लोर ये ब्रॉन्स्टेंट एंड लोरी कंसेप्ट से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये कहता है कि जो जैसे एसिड है ये स्ट्रॉन्ग, देखो याद है ना दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनके कंपेयर में इन चारों कंपेयर में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है, वीक बेस होता है दोस्तों, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा हूं, वीक बेस होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक बेस होता है। मैं इन चारों के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं इन चारों के रिस्पेक्ट में। तो दोस्तों ये जो वीक एसिड होगा इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और अपने पास यही पूछ रहा है कि क्षारीय प्रकृति सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो ये वाला सबसे ज्यादा क्षारीय प्रकृति दर्शाएगा, इसका ऑर्डर कुछ इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है निम्न में से मध्यवर्ती द्वारा एल्केन का हैलोजनीकरण होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये अपन ने एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आपको एल्केन वाला चैप्टर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा दोस्तों आराम से, ठीक है। इसमें फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म होती थी दोस्तों। क्या होती थी, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं।
एक प्रकार से सक्रिय क्रियात्मक एकणु नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्यतः देता है, यानी ये SN1 की बात कर रहा है दोस्तों। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्या कह रहा हूं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एकाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें दोस्तों देखिए, इसमें पार्शियल रिटेंशन होता है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनता इसमें, ये बनता है दोस्तों विन्यास का रिटेंशन। इसमें याद रखना ये पार्शियली रिटेंशन देता है दोस्तों, पार्शियली रिटेंशन देता है। तो पहला ऑप्शन अपना यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे चले कि निम्न में से कौन सा मुक्त मूलक सबसे ज्यादा स्थायी है, तो आप यहाँ पर इन चारों को देख रहे होंगे, तो इन चारों में ध्यान रखना दोस्तों, सबसे ज्यादा स्थायी वाला कौन सा है आपने सोच लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं इसमें सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होगा, क्या कंसेप्ट लगेगा। इसमें सबसे ज्यादा स्थायी होने वाला जो होगा वो रहेगा दोस्तों ये बी वाला ऑप्शन, क्योंकि अपन जानते हैं जब भी किसी की स्टेबिलिटी की बात करेंगे रेडिकल्स की या कार्बोटाइन की सब इनमें, तो ध्यान रखना सबसे पहले अपन देखेंगे रेजोनेंस, फिर देखेंगे अपन हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर देखेंगे दोस्तों इंडक्टिव इफेक्ट। ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है। और यहाँ तीन अल्फा हाइड्रोजन इधर है दोस्तों, और तीन दो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ इधर है। अब देखिए दोस्तों इनमें जो बचे हुए हैं उनमें देखें, तो यहां देखिए इसमें तीन अल्फा हाइड्रोजन तो ये रही दोस्तों, और एक अल्फा हाइड्रोजन ये रही, तो टोटल चार अल्फा हाइड्रोजन से यहां पर। इसके पास में देखें तो तीन ये रही और दो ये रही, पांच अल्फा हाइड्रोजन है। यहां देखें दोस्तों एक अल्फा हाइड्रोजन ये रही और एक अल्फा हाइड्रोजन ये रही, तो कितनी है दो अल्फा हाइड्रोजन। यहां कितनी है चार, यहाँ कितनी थी पांच, यहाँ कितनी थी दो, और यहाँ देखिए तो दो एक तीन अल्फा हाइड्रोजन हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से 100% बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन का ध्यान रखना है, और हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर यहाँ मैंने इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बने बता दिया दोस्तों। तो दोस्तों ये अपना लास्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास है, और इन क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही है, कौन सा नहीं है, ये कंपाउंड जिसके पास में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो थर्ड एक इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। फिर कह रहा है कि निम्न में से जब किसी एल्केन लाइड की एल्कोहलिक केवल से रिएक्शन करवाते हैं दोस्तों, तो दोस्तों इसकी मैंने ट्रिक बता रखी है हेलो एल्केन के अंदर, इसकी मैंने हेलो एल्केन के अंदर इसकी ट्रिक बता रखी है कि कौन सा, एक तो इसकी मैकेनिज्म कौन सी होगी, E1, E2, E1, CB, EI मैकेनिज्म होंगी, फिर दूसरा इनमें जो मेजर प्रोडक्ट बनते हैं उसमें कौन सा रूल लगता है सेडजेफ रूल, और हाफमान प्रोडक्ट ये कैसे होता है, ये सारा मैंने डिटेल से बता रखा है दोस्तों प्रीवियस ईयर के चैप्टर्स के अंदर, एल्केन के अंदर बता रखा है, हेलो एल्केन के अंदर भी मैंने ये बता रखा है। तो दोस्तों यहाँ से ये H बाहर निकलेगी और यहाँ से ये BR बाहर निकलेगा, तो दोस्तों एल्कोहलिक केवच की प्रेजेंस में यहाँ क्या होगा एलिमिनेशन होगा दोस्तों, क्या होगा एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन से क्या कंपाउंड बनेगा यहाँ पर एल्किन का फॉर्मेशन होगा। तो दोस्तों ये जो चौथा ऑप्शन है आपके पास में वो अपना करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहां तक बात समझ में आगे के दोस्तों, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था वो मैंने ले लिया है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक इतना सा काम करना है आपको। इसके बाद में दोस्तों मैंने बता दिया B2S6 के बारे में डिस्कस करूंगा पूरी डिटेल, बोरिन के बारे में विद क्वेश्चन विद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए जय हिंद जय भारत।